होटल से लाइव जुड़ गए हैं। जी कुमार रवेश, इस यात्रा के बारे में, रथ यात्रा जो है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जनकांत्री यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आप मेरे पीछे किस तरह देख सकते हैं, पूरी भीड़ है और युवा जो है उनके साथ है और युवा कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल से और दूसरे साधनों के सहारे से इस जनकांत्री यात्रा के साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, युवाओं में जो जोश है वो कहीं ना कहीं नेता के समर्थन में दिख रहा है, क्योंकि भले ही कांग्रेस में आपसी खींचातान जरूर चलती हो, लेकिन जो रथ यात्रा में आप देख सकते हैं, इस कदर अभी ये औपचारिक शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही आप भीड़ देख सकते हैं कि किस कदर लोग पहुंच रहे हैं। ये यहां से निकलते हुए होटल पहुंचेंगे और होटल में वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे और वहां पर इस रथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत करेंगे। अभी देख सकते हैं आप, कुछ जो MLAs हैं वो पहुंच रहे हैं, कुछ एक्स MLAs हैं वो पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें जो विधायक है करण सिंह दलाल, वो भी यात्रा में शामिल है। इसके साथ साथ कहा गया है कि जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के जो रहे हैं वो भी शामिल होंगे, उसके साथ साथ जो पूर्व सांसद है वो शामिल होंगे, मौजूदा विधायक हैं वो शामिल होंगे। तो अच्छी खासी जो है कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाने की कोशिश है कांग्रेस की। सबसे बड़ी बात है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये अकेली जो है रथ यात्रा है और ये भी एक कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस कदर उन्होंने पलवल में इस प्रकार का समर्थन दिखाकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिखाने की कोशिश की कि आज भी हरियाणा की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बजाय जो है हुड्डा के साथ है। और जो ये आपसी खींचातान जो अब तक चलती आई, चाहे बात करें कि अशोक तंवर हो, किरण चौधरी हो, ये जो दो लोग अपनी अपनी अलग की बात करें, वो हुड्डा ने इनको दिखाने की कोशिश की है कि आज हुड्डा के साथ किस कदर लोग हैं और कहीं ना कहीं ये जन जो क्रांति यात्रा है उसके थ्रू ये बताएंगे कि दरअसल किस कदर उनके पास पूरा पूरा समर्थन है। जी कुमार रमेश, अगर बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं में कितना जोश देखा जा रहा है, युवाओं में कितना जोश इस यात्रा को लेकर देखा जा रहा है? देखिए युवाओं का जोश आप देख ही सकते हैं, किस कदर युवा जो है कांग्रेस के झंडे लेकर के किस तरह चल रहे हैं। इसके साथ बाइकों पे लोग हैं, कारों में लोग हैं और साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि जो युवा हुंकार रैली भारतीय जनता पार्टी ने की, उसके कहीं ना कहीं विरोध में जो कांग्रेस के युवा है वो सड़कों पर उतरे हैं और जो क्रांति की बात की जा रही थी, जन क्रांति की, वो दिखाने की कोशिश है। इसीलिए आप देख सकते हैं पूरी भीड़ ही भीड़ है और कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई है। जी जी, तो अगर बात की जाए सुरक्षा के इंतजामों की, तो वहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए कुछ राइडर्स लगाए गए हैं, जो राइडर्स इन रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं और उसके अलावा कुछ पुलिस की जिप्सियां भी लगाई गई हैं। उसके अलावा जो चौक और चौराहे हैं वहाँ पर भी पुलिस की व्यवस्था की गई है, तो सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भले ही विपक्ष की तरफ से यात्रा निकाली जा रही हो और कांग्रेस यात्रा निकाल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसको भी फीडबैक लेना है, तो उनकी तरफ से भी काफी लोग हैं जो इनका कहीं ना कहीं फीडबैक लेने की कोशिश करें। पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारा अपडेट देने के लिए कुमार रमेश। तो आज रथ यात्रा जो है उसका आगाज हो चुका है, पूर्व सीएम हुड्डा की ओर से ये रथ यात्रा निकाली जाएगी, होटल से ये यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अगले आने वाले 6 महीने तक ये यात्रा चलेगी। जन क्रांति यात्रा का भी आगाज पूर्व सीएम हुड्डा की ओर से कर दिया गया है।